हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिसका सेमेस्टर वन है। चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, चाहे आप ऑनर्स में हो, वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सेमेस्टर आपका बन होना चाहिए, आप देख सकते हो वाली सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज में आप हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट। ठीक है भाई, एक पार्ट और बनने वाला है जिसमें मैं कैश बुक के बारे में बताऊंगा और बाकी सब चीजों के बारे में बताऊंगा। इसमें खाली हम सेल्स बुक, परचेज बुक और क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में सीखेंगे। ठीक है भाई, तो क्या क्या सीखेंगे इसमें? एक तो सेल्स बुक, दूसरा आ जाएगा हमारा परचेज बुक, उसके बाद हम सीखेंगे क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक और हम सीखेंगे सेल्स रिटर्न बुक। ये चार बुक्स के हमें बारे में सीखना है इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करने से पहले, अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। ये जो नंबर दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फिलहाल चैप्टर नंबर तीसरे का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर पहला पार्ट बन चुका है, ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा पहला पार्ट, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे चैप्टर्स के लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट के लिंक है, आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो वीडियो का, कि कुछ इंफॉर्मेशन देखते हो तो वहाँ पर मिल जाएगी, आपको कुछ पूछना है तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लिया करो, कि अगर मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन बतानी हुई या फिर कोई दिक्कत हो गई होगी तो मैं वापस समझा दिया करूंगा। ठीक है, तो हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पक्का चेक करके जाएगा। शुरू करते हैं फिलहाल। तो क्वेश्चन ही दे रखा है और क्वेश्चन के हिसाब से हमें बनाना है सेल्स बुक, और सेल्स बुक ही बनाना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, चारों के चारों ऐसी बुक है कि एक बार समझाऊंगा और सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मतलब अगर आप सेल्स बुक समझ गए तो ये सारी बुक्स आपको समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल सेम है, सिंपल है, बस एक वर्ड का चेंज करना है, बाकी सब चीज सिंपल हो जाएंगी। सिम में ठीक है, शुरू करते हैं। पहले एक बार सेल्स बुक के हिसाब से क्वेश्चन कर लेते हैं। सेल्स बुक के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस नोरंग लाल। क्या लिखा है? सॉरी भाई, पता नहीं। हाँ जी, छुट्टन। तो मिस नोरंगलाल छुट्टन ऑफ द दिल्ली, मतलब कि क्या बोलते हैं, मिस नोरंगलाल छुट्टन जो है वो दिल्ली के हैं बंदे, और उनको हमने माल बेचा है, और जो माल बेचा है उनकी डिटेल सारी की सारी ये रही, और क्या बोलते हैं आप लिख सकते हैं हमसे। ठीक है, सेल्स बुक बनानी है, श्योर थे। तो सुनिए, सेल्स बुक कैसे बनेगी। सेल्स बुक के फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले तो डेट आएगी, ये रहा डेट का कॉलम, उसके बाद होता है पर्टिकुलर, इसके बाद आएगा भाई लेजर फोलियो, उसके बाद डिटेल और अमाउंट। तो ये रहा एलएफ, जिसकी जरूरत पड़ती नहीं है, और ये रहा डिटेल और ये रहा अमाउंट। ठीक है भाई, हाँ जी, तो ये बन गई आपकी सेल्स बुक। अब सेल्स बुक में क्या था उनका नाम? हाँ जी, तो हम बुक बना रहे हैं, सेल्स बुक ऑफ मिस नोरंग लाल छुट्टन लाल दिल्ली। ठीक है सर, चलिए तो हम सेल्स बुक बनाने जा रहे हैं इनकी। चालू करते हैं, होता क्या है समझिए। पहले 2010 की डेट है, तो 2010 के हिसाब से ही बना रहे हैं हम, मतलब सारी जो एंट्री होंगी वो 2010 के हिसाब से ही होंगी। तो पूरे क्वेश्चन में 2010 के हिसाब से टाइमिंग चलने वाली है। आज तारीख है सितंबर 3, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन की तारीख है वो कौन सी है? सितंबर 3। तो सितंबर 3 को नोरंगलाल छुट्टल जी ने, मतलब कि हमने माल बेचा है, और किस किस को माल बेचा है तो उनकी डिटेल दे रखी है। पहला सामान 3 तारीख को बेचा हुआ है मिस सत्या प्रकाश एंड कंपनी को, दूसरा सामान हमने बेचा है मिस ज्ञान प्रकाश एंड ब्रोस को, और तीसरा सामान हमने बेचा है शिव प्रकाश को। सिंपल भाई, हाँ जी, ये वो इंसान है जिनको हम माल बेच रहे हैं, और बेच कौन रहा है? ये हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बुक्स है वो हमारे अकाउंट में बन रही है, हमारी बुक्स में बन रही है। शुरू, चलिए। तो 3 सितंबर को क्या किया हमने? सोल्ड टू मिस सत्या प्रकाश एंड कंपनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सत्या, क्या लिख रहा हूँ यार, SATY, सत्या प्रकाश एंड कंपनी। ये मार्कर मोटा चल रहा है, थोड़ा सा जगह नहीं बचेगी वरना। ठीक है भाई, तो सत्या प्रकाश एंड कंपनी को हम माल बेच रहे हैं, और वो कितने का माल बेच रहे हैं? दो, जैसे ही लिखा है ना बिल्कुल प्रॉपर वैसे लिख दो। कह रहा है 10 kg हम बेच रहे हैं टी। ठीक है, एट द रेट कितने के हिसाब से? 22.50 पर kg, है ना। चलिए, तो 22.50 के हिसाब से हम 10 किलो सामान बेच रहे हैं, यानी टोटल जो हमने सामान बेचा वो कितने का बेचा? वो बेचा 225 का, यानी 225 रुपए का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 15 किलो सामान बेच रहे हैं कोकोआ, तो हमने 15 केजी बेचा क्या? कोकोआ, एट द रेट कितने के भाव में? 15 रुपए पर केजी। चलिए, तो 15 रुपए पर केजी के हिसाब से 15 15 का स्क्वायर 225,
ठीक है भाई, यानी हमने टोटल सामान जो बेचा वो कितने का बेचा अभी तक, और कुछ सामान है बेचने के लिए नहीं, तो हमने जो टोटल सामान बेचा वो कितने का बेचा, 25-25-50 यानी 450 रुपए का हमने सामान बेच दिया। अब इसके बाद कह रहा है 450 उनसे लेने हैं, लेकिन वो कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो यहां से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट है वो, शायद 10% है, तो 10% के हिसाब से कितना हो गया 450 का 10% 45, तो 45 रुपए जो ट्रेड डिस्काउंट था वो घटा दिया, तो अब कितना अमाउंट हमें पे करना है उन्हें, तो सॉरी पे नहीं उनसे रिसीव करना है हमें, तो हमें से रिसीव करना है 405 रुपए। सुना है, ये हो गया पूरा पूरा आपका अमाउंट, यानी कि जो पहले उनसे लेना है किससे, सत्य प्रकाश एंड कंपनी से। तो जब आप इस क्या बोलते हैं सेल्स बुक की जगह अब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे, यानी कि जब लेजर में एंट्री करेंगे तो ये ट्रेड डिस्काउंट वहां पे शो ही नहीं किया जाएगा, सीधा दिखाया जाएगा कि टू में क्या बोलते हैं सत्य प्रकाश कंपनी और उनसे लेने हैं 405 रुपए। सुन में, या फिर टू में सेल्स लिख के और डालते हैं 405 रुपए सत्य प्रकाश कंपनी से हमें लेने हैं, ना ये एंट्री दिखाई जाएगी कि हमने क्या सामान खरीदा, और ना ये ट्रेड डिस्काउंट दिखाया जाएगा कि हमने कितने का सामान खरीदा और कितना डिस्काउंट दिया, भी चीज नहीं दिखाई जाएगी। तो लेजर शॉर्ट आउट करता है, लेकिन अगर आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखना हो, सब चीजें देखनी हो, इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन किस में मिलती है, सेल्स बुक, परचेज बुक, जैसे मैंने बताया कल आपको, ठीक है। हाँ जी, तो जर्नल एंट्री के बाद हम क्या बनाते हैं, ये वाली ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब की सेल्स बुक परचेज बुक बनाते हैं, इसके अंदर सारी डिटेल्स होती है सारी वाउचर्स की। हाँ, अगर यहाँ पे वाउचर नंबर भी दे देता तो मैं वाउचर नंबर यहाँ पे लिख देता, जो भी कैश मेमो नंबर होता वो लिख देता, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं, तो फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है। श्योर थे भाई, सेप्टेम्बर 13 की एंट्री दुआ कर लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आई तो, ठीक है। तो ये रही सितंबर 13 की एंट्री। सितंबर 13 की एंट्री क्या है, हमने माल बेचा है मिस ज्ञान को, प्रकाश ब्रोस को, ठीक है। तो मिस ज्ञान प्रकाश एंड ब्रोस, ठीक है। हाँ जी, कितना सामान बेचा है, 18 केजी ऑफ टी, तो 18 किलो चाय बेची है 25 रुपए के भाव में, तो एट द रेट 25 पर केजी, ठीक है भाई। अच्छा, 35 रुपए की हमने क्या, 35 केजी हमने क्या बेचा है, 35 केजी हमने बेचा है कॉफी, तो कॉफी बेची है एट द रेट क्या भाव में, हमने बेची है 40 रुपए पर केजी। सुन मैं, हाँ जी, अब देखिए फटाफट से अमाउंट कितना आएगा, 18 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तुम भी यार ऐसा सोचना चलेगा, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो गया, 250 और 250 500 हो गया, उसमें से 50 रुपए घटाने हैं, यानी कितना आ गया 450, तो हमने यहाँ पे आ गया 450 हमारे, ठीक है भाई, इतना आएगा ना, 25 ठीक, चलिए भाई। तो उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है कुछ नहीं, तो बस इतने पे ही खत्म हो गया, तो 14-4 कितना हो गया, ये हो गया 1850 रुपए, तो उससे हमें लेने हैं 1850 रुपए, किससे, मिस ज्ञान से, GYAN, वो कह रहा है जियान, जियान नहीं ज्ञान, ठीक है। अगला 26 तारीख की एंट्री है, तो 26 तारीख की एंट्री कर लेते हैं भाई, तो सितंबर 26, अब 26 सितंबर को किसको बेचा हमने, टू शिव प्रकाश, तो यहाँ पे आ जाएगा शिव प्रकाश, शिव प्रकाश को हमने सामान बेचा, क्या क्या सामान बेचा है, ये थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है, कह रहा है 10 बॉक्सेस बेचे हैं किसके, बिस्किट्स के, एट द रेट, यहाँ पे पूरा लिखना, आप स्टेटमेंट जब बनाओगे तो बड़ी बनाना ताकि आपका पूरा आ जाए स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ जी, एट द रेट 10 केजी वाले बॉक्स है, यानी 10 बॉक्स है 10 केजी वाले, और हमने कितने के भाव बेचे, 1 केजी जो है वो 10 रुपए प्राइस है पर केजी का, चलिए, यानी 10 बॉक्स है 10 केजी वाले और 10 रुपए 1 किलो का प्राइस है, यानी टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1000, तो ये हो गया 1000 रुपए का सामान जो हमने बेचा। अच्छा, अगले चलते हैं, कह रहे हमने 60 बॉक्सेस बेचे हैं और स्वीट्स ऑफ ईच 15 केजी, हर एक का वेट कितना है 15 केजी के हिसाब से, ठीक है, और एट द रेट 5 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट है, तो 15 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना हो गया 6530 300, और मल्टीप्लाई में 15 45 यानी कि 4500, ठीक है भाई, तो ये हो गया 5500, यानी टोटल जो हमने सेल कर दिया अपन ने वो कितने की कर दी, तो यहाँ पे आप डाल दोगे टोटल लास्ट में, टोटल कितने की सेल करी हमने 5500 और 18 ये हो गया, ठीक है, चलिए भाई, तो ये 5 का 5 आ गया और ये हो गया 5 का 5, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है भाई, तो ध्यान से 8 5 13 13 का 3 1000 ऊपर और 1000 ऊपर चला गया, तो 15 हो गया, तो 15 का 5 एक से 8 5 13 13 का 3 ओ ये भी तो जोड़ना है ना, ठीक 8 5 13 13 और 4 कितना हो गया 17 17 7 1000 ऊपर हो गया और 5 6 7 ये हो गया 7, यानी 7755 रुपये हमें रिसीव करने हैं, टोटल अमाउंट जो है सेल्स बुक के हिसाब से जो भी आया है, खत्म क्वेश्चन, समझा गया भाई, बस इतना से करना था आपको, यही सेल्स बुक बनानी थी और आपका क्वेश्चन पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर यहीं पे वो बोलता है परचेज बुक बनाने के लिए, यानी कि परचेज बुक, तो वो स्टेटमेंट भी थोड़ी सी चेंज करता, यहाँ पे जो हमने सोल सोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे लिखता परचेज, परचेज टू की जगह फ्रॉम, परचेज फ्रॉम इससे, और यहाँ पे लिखता परचेज फ्रॉम,
कि परचेज फ्रॉम, इससे खरीदा सामान, यहाँ पे लिखता परचेज फ्रॉम, ठीक है। तो आपको पता चल गया परचेज का क्वेश्चन कैसे आएगा। तो जब भी परचेज का क्वेश्चन आए यहाँ पे सेल्स की जगह क्या लिख दोगे, बस खाली परचेज बुक, और पूरा क्वेश्चन वही सेम, ऐसे ही एज इट इज, पूरा सेम, पूरा जैसा आपने किया है वैसा ही सेम, समझ में आया। अगर यहीं पे लिखा होता परचेज रिटर्न, यानी कि यहाँ पे लिखा होता गुड्स रिटर्न जो हमने परचेज किया था, रिटर्न टू, यहाँ पे लिखा होता यहाँ पे रिटर्न टू, यहाँ पे लिखा होता रिटर्न टू, तो यहाँ पे आप लिख देते परचेज रिटर्न बुक, सेम ऐसी पूरी सेम, पूरी सेम एंट्री हो जाती है ऐसी, बस खाली यहाँ पे रिटर्न बुक होती, तो पूरा सेम, कुछ चेंज करना ही नहीं इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ सेम करना ही नहीं, मतलब कुछ चेंज करना ही नहीं, पूरा सेम ही है, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सब चीज सेम रहेगी, ठीक है। ऐसी सेल रिटर्न बुक भी बनेगी, यहाँ पे बस सेल रिटर्न आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कोई डाउट तो नहीं, आसान है। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन दे दूंगा, दो तीन क्वेश्चन दे दूंगा, आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंपल सर, ठीक है। उसके आंसर भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ होगी, उसी के अंदर लिंक होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ का लिंक होगा, आप वहां पे क्लिक करके पीडीएफ देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ऐसे एक छोटी सी वीडियो थी अली, और अपना टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम कल सीखेंगे कैशबुक, कैशबुक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, जिसमें हम सिंगल एंट्री, मतलब सिंगल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक, ट्रिपल कॉलम कैशबुक, मल्टी कैशबुक और पैटी कैशबुक सीखेंगे, ये सारी कैशबुक सीखने वाले हैं, और कल आपका पूरा चैप्टर तीसरा खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर क्या बोलते हैं आपने पहले से ही कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, सच बता रहा हूँ, अगर आप पहले से कर देते हो ना तो दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, हर शरीर के अंग से आपको थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है तो कुछ नहीं कर सकता यार, मैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से बाद में कर दिया, आराम से, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। तो थैंक यू, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना फटाफट, ठीक है, चलो फिर बाय बाय।